तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या कर शव जलाने के मामले में पूरे देश में गुस्सा था और हाल ही में इस केस के चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन जब इस केस को लेकर टीवी चैनल पर आयोजित एक डिबेट में कांग्रेस नेता अलका लांबा और होस्ट और एंकर अंजना ओम कश्यप के बीच तीखी बहस हो रही थी, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अलका लांबा अंजना ओम कश्यप को तीखी बातें कहती हुई नजर आ रही है। अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा कि अंजना ओम कश्यप कल के लाइव शो में मुझे कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सम्मान करते हैं, रेप पीड़िता का नाम मैंने लिया है, कुछ तो शर्म करो, बेहतर होगा पत्रकारिता छोड़कर कहीं कोई दूसरा रोजगार खोज लो, अंजना ओम मोदी सॉरी अंजना ओम कश्यप। ये ट्वीट अलका लांबा ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया है, जिसका जवाब देते हुए अंजना ने कहा कि जिस दिन का मेरा ये ट्वीट है उस दिन तक सभी नाम ले रहे थे। जब हैदराबाद की लड़की के परिवार की तरफ से लोकल प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया कि आप नाम नहीं लें और बदला हुआ नाम दिशा इस्तेमाल करें, तो हमने उसका सम्मान किया और शो में जो हुआ उसका सच ये है। दरअसल टीवी चैनल के शो हल्ला बोल में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर डिबेट चल रही थी, जिसमें अलका लांबा और एंकर अंजना ओम कश्यप के बीच रेप पीड़िता का नाम ना लेने को लेकर बहस हो गई। इस पर अलका लांबा का कहना था कि जिन लोगों ने भी हैदराबाद रेप पीड़िता का नाम लेकर हैशटैग चलाया उनको जेल भेजा जाना चाहिए। इसके बाद अलका ने कहा कि आज तक का अपना एजेंडा है जिसकी वजह से कांग्रेस ने यहाँ आना बंद कर दिया है, लेकिन आज मैं महिला होने के नाते महिलाओं की आवाज़ उठाने के तौर पर यहाँ आई हूँ। इस बीच अलका लांबा ने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद का भी जिक्र किया और अपनी बात को कहते हुए शो छोड़कर चली गई। इस बीच अलका और अंजना की बहस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई और शाम तक ये सारी जगह ट्रेंड कर रहा था। गौरतलब है कि हैदराबाद में एक महिला वेटरनरी डॉक्टर से चार लोगों ने पहले गैंगरेप किया था और उसके बाद पेट्रोल जलाकर उसे जिंदा जला दिया था और पूरे देश में इन आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिनका आज एनकाउंटर कर दिया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।